वेलकम बैक टू माइक्रो टॉक योर ऑन यू चैनल आई माइशी वंस अगेन विद यू और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो कि एन ई के अकॉर्डिंग यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर का है यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स इन यू साइंस के जो दो सेमेस्टर में से पहला सेमेस्टर है ये क्योंकि फर्स्ट ईयर में होगा ये सो जनरल माइक्रोबायोलॉजी पेपर का नाम है श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड का ये पेपर है टाइम ड्यूरेशन थ्री आवर्स है और मैक्सिमम मार्क्स इसके सेवेंटी फाइव हैं ये भी एच एंड बी के पेपर की तरह है, इसमें भी क्या है कि दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है ए एंड बी पहला जो सेक्शन है उसमें फाइव क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं जबकि जो सेक्शन बी है उसमें से आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं थ्री क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं अब सेक्शन ए जो है उसमें टोटल फाइव क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन के मैक्सिमम आपको सिक्स मार्क्स दिए जाएंगे तो क्वेश्चंस देख लेते हैं बहुत ही इजी पेपर आया था मैं आप लोगों को पहले ही बता देता तो बहुत ज़्यादा इजी पेपर आया था इस वाले क्वेश्चन पेपर में कोई भी वर्ड लिमिट नहीं दी गई है ठीक तो है तो क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत इजी है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है सिंपली एक चार्ट बनाने पहले आपको बताना था कि किसने दिया था आर एच विटेकर ने दिया था कौन से ईयर में दिया था देन आपको चार्ट बना देना था बहुत ज़्यादा लंबा आपको इसको नहीं लिखना था क्योंकि याद रखना आपको है आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन है ये सो so नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ देखिए एक और चीज जो फाइव किंगडम्स है फॉर एग्जांपल मोनेरा आप बता रहे हैं तो मोनेरा के बारे में आपको दो तीन लाइन जरूर बतानी दो नहीं तो एटलीस्ट वन लाइन बतानी चाहिए हर एक किंगडम मोनेरा प्रोटेस्टा फनजाय प्लांटी एनी सबके बारे में एटलीस्ट एक एक लाइन आपको जरूर बतानी थी भले ही ये शॉर्ट क्वेश्चन थे बट सिक्स मार्क्स के हैं और वर्ल्ड लिमिट कोई नहीं है उसके बाद आपको इसमें चार्ट बनाना था नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू जो कि एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट ठीक है आपको जो साइंटिस्ट दिए जैसे कि जोसेफ लिस्टर वॉक्समैन उसके बाद नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच एंड पास्टर इनके बारे में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताना था तो दो चार दो चार लाइनें आप इनके बारे में लिख सकते थे नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन जो कि है राइट शॉर्ट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग कि दो पे शॉर्ट नोट लिखना है टी फोर बैक्टीरियो फाज सेक्रोमाइसिस ग्राम स्ट्रीनिंग टेक्निक इनमें से किन्हीं दो पे आपको क्या करना है शॉर्ट नोट लिखना था नेक्स्ट है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ की क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं वो आपको बताने हैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग ठीक है इनमें से आपको प्रिंसिपल बताना है साथ साथ क्या क्या फंक्शन होते हैं इनमें से कितनी दो इंस्ट्रूमेंट्स के कौन कौन सा है ऑटोक्लेव इनक्यूबेटर एंड लेमिनार इन तीनों में से किसी दो के बताने हैं नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स वट आर वायरॉयड्स राइट अ नोट ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक ठीक है वायरॉइड्स क्या होते हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन पर एक नोट लिखना है राइट ब्रीफ नोट ऑन एनी एनी टू ऑफ द फॉलोइंग ठीक है ब्रीफ नोट लिखना है किन्हीं दो पर मीन मीडियन मोड इनमें से तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछे हैं उसके बाद डिस्क्राइब द वेल लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियो फाज बैक्टीरियो फाज का वेल लेबल डाइग्राम बनाना है इसमें ठीक है अब इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा बैक्टीरियो फाज आप कोई भी बना सकते हैं जैसे कि आप बना सकते हैं टी टू बना सकते हैं टी फोर बना सकते हैं ठीक है इलेमडा फाज बना सकते हैं ये काफ़ी इजी है इजी बैक्टीरिया फाज है जिनके काफी हैं जिनके डायग्राम काफ़ी इजी पड़ते हैं वह बनाने के लिए उसके बाद नेक्स्ट हैं यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स फिफ्टीन है एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के कोई भी तीन करने आपको अटैम्प्ट ठीक है सो नाइन्थ क्वेश्चन है ही यहाँ पे डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटोनी वॉन लेवन हुक एंड इवान ऑफ इन द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखिए एंटोनी वॉन लेवन हुक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहलाते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है इवान ऑफ जो हैं वो भी काफ़ी एक नोबल साइंटिस्ट है स्पेशली इन वायरोलॉजी सो आपको इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना था देन क्वेश्चन नंबर टेन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया विद वेल लेबल्ड डायग्राम ठीक है बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा साथ साथ डायग्रामेटिकली उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ठीक है समझ रहे हैं आप कि आपको एक वेल डाई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाना है बैक्टीरिया का ठीक है देन उसके बाद क्या करना है हर एक जो ऑर्गनल है जैसे सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन ठीक है कैप्सूल राइबोसोम्स साइट सोल जो है उसका न्यूक्लियोइड है उनके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा डायग्रामेटिकल कर पाए तो और अच्छा है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन ये क्या है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ थ्री ऑफ द फॉलोइंग ठीक है इनमें से किसी तीन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है एच आई वी पास्चराइजेशन एंड प्रियोन्स इन पे आपको क्या करना है शॉर्ट नोट लिखना है नहीं तीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्राइब द मेथड एंड टेक्निक यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है आपको क्या बताना है डिस्क्राइब करनी है कौन कौन से मेथड या टेक्निक हम यूज़ करते हैं प्योर कल्चर बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थर्ड क्वेश्चन थर्टीन क्वेश्चन है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग टैम सैम टी ई एम एंड एस ई एम क्या करना है इन दोनों में से डिफरेंस बताना है क्या है या फिर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस बताना है या एक्टिनोमाइसिटीज एंड साइनोबैक्टीरिया इनमें से किन्हीं दो पर आपको क्या बताना है डिफरेंस बताने हैं सो यस यही था क्वेश्चन पेपर एन ई पी के बाद ना बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं इस साल पहला ही साल है इसलिए कोई भी यूनिवर्सिटी आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा हार्ड आपको क्वेश्चन पेपर देने की कोशिश करेगी ईजी ही देंगी तो चीज़ों के और सबसे बड़ी बात बी एस सी फर्स्ट सेमेस्टर ही है आप लोगों का भी तो कोई भी यूनिवर्सिटी ईजी से ईजी पेपर तो दे ही रही है जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है पूरा इंट्रोडक्टरी है ठीक है तो आपको इजी कोर्स भी मिल रहा है और साथ, साथ ही साथ इंट्रोडक्टरी मिल रहा है तो आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ही अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी अगर आप इस पर अच्छे से चलना चाहते हो तो सर बस यही था आज का वीडियो आई होप बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कीप वॉचिंग टॉक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट कीप वॉचिंग